हेलो फ्रेंड्स, बीच टू मार्केट के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कि ऑप्शन ग्रीक क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने से पहले हमें इसे क्यों जानना चाहिए, और साथ ही ऑप्शन ग्रीक डेल्टा को हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ऑप्शन ग्रीक आखिर होता क्या है। तो जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ या घट सकता है ये पता चल पाता है। ये फैक्टर्स कोई और नहीं बल्कि ऑप्शन ग्रीक्स ही हैं। तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने से पहले आपको इन 5 ऑप्शन ग्रीक के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, जो कि हैं डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा और रो। डेल्टा से पता चलता है कि अंडरलाइंग असेट के कंपैरिजन में ऑप्शन प्रीमियम कितना मूव करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट बढ़ जाता है तो इसके साथ निफ्टी 50 के ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा, ये हमें डेल्टा से पता चलेगा। यहाँ अंडरलाइंग असेट निफ्टी 50 है। नेक्स्ट है थीटा। थीटा का मतलब होता है रेट ऑफ टाइम डिके, और वेगा का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट प्राइस, या यूं कहें कि वेगा का मतलब होता है वोलेटिलिटी, गामा का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा ओवर टाइम, रो का मतलब होता है सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन टू अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ये मैंने सभी ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में आपको ऊपर ऊपर से बता दिया है। हम इन सभी पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में डेल्टा को अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो हमने देखा कि डेल्टा से हमें पता चलता है कि हमारा प्रीमियम अंडरलाइंग असेट के कंपैरिजन में कितना मूव करेगा। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि अभी बैंक निफ्टी 40,000 पे चल रहा है और बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 400 रुपीज का है। अब मान लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी 40,000 से 40,100 हो गया, मतलब 100 पॉइंट बढ़ गया, तो अब इसके साथ इसका प्रीमियम जो कि 400 का था, अब वो कितना बढ़ेगा, ये पता चलता है डेल्टा से। कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा का पैरामीटर 0 से 1 के बीच होता है, और पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा 0 से -1 के बीच होता है। याद रखिए, कॉल ऑप्शन का डेल्टा पॉजिटिव होता है और पुट ऑप्शन का डेल्टा नेगेटिव होता है, क्योंकि पुट ऑप्शन और अंडरलाइंग असेट के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 50 अगर बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन पुट ऑप्शन का प्रीमियम घटने लगेगा। और ठीक इसका उल्टा, अगर निफ्टी 50 घटेगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी घटने लगेगा, लेकिन पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ने लगेगा। इसीलिए कॉल ऑप्शन का डेल्टा पॉजिटिव और पुट ऑप्शन का डेल्टा हमेशा नेगेटिव ही होता है। चलिए डेल्टा को और डिटेल से समझने के लिए ऑप्शन चेन की मदद ले लेते हैं। ये मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है और इसके लिए मैंने सेंसिबल के प्लेटफॉर्म का यूज किया है। ये केवल एग्जाम्पल के लिए मैंने सेंसिबल का यूज किया है, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है और ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स 23 मार्च को एक्सपायर होने वाले हैं। अभी बैंक निफ्टी 39,943 पर चल रहा है, अभी मार्केट बंद है इसलिए आपको इसमें मूवमेंट नहीं दिखेगा। यहाँ कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। LTP का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, और ग्रीक का मतलब होता है ऑप्शन ग्रीक्स। अभी मैंने LTP वाले ऑप्शन में क्लिक किया हुआ है, इसलिए यहाँ आपको एक साइड कॉल LTP यानी कि अभी कॉल के प्रीमियम का जो प्राइस चल रहा है वो, और दूसरे साइड पुट LTP मतलब पुट के प्रीमियम का अभी जो भाव है वो दिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि बीच में स्ट्राइक का कॉलम है और इसमें बैंक निफ्टी का अलग अलग स्ट्राइक दिया हुआ है, और हर स्ट्राइक के कॉल और पुट का प्रीमियम भी अलग अलग है। अभी बैंक निफ्टी 39,943 पर चल रहा है, जो कि 40,000 के आसपास ही है, इसलिए 40,000 एट द मनी हुआ। एट द मनी में डेल्टा का वैल्यू 0.5 होता है। हमने एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। चलिए अब मैं ग्रीक्स के ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आपको कई कॉलम दिखाई देंगे, जैसे कि कॉल डेल्टा, स्ट्राइक, IV, पुट डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा। तो जैसा कि हमने देखा कि एट द मनी में कॉल डेल्टा 0.5 और पुट डेल्टा
-0.5 होता है। मतलब यहाँ से अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो कॉल प्रीमियम लगभग 50 पॉइंट बढ़ेगा और पुट प्रीमियम लगभग 50 पॉइंट घट जाएगा। जैसे जैसे आप इन द मनी की ओर जाओगे डेल्टा का वैल्यू बढ़ता जाता है और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी की ओर जाओगे डेल्टा का वैल्यू कम होता जाता है। आई होप कि अब आपको डेल्टा समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में डेल्टा से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आप चाहे ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर, डेल्टा को समझना सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डेल्टा से ही हमें पता चलता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको हायर डेल्टा वाला या कहूं कि इन द मनी वाला प्रीमियम सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको एज अ ऑप्शन बायर डायरेक्शनल मूव चाहिए होता है। और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आपको लो डेल्टा या कहूं कि आउट ऑफ द मनी वाला प्रीमियम सेलेक्ट करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसे नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।